कांग्रेस रूल हो गया, जुल्म हो गया। आपने बात पढ़ी थी कि कांग्रेस रूल से पहले जिन्ना भाई चाहते थे हिंदू मुसलमान भाई भाई दोनों मिलकर साथ रहेंगे। कांग्रेस रूल में जब हमारे ऊपर जुल्म होता है तो कांग्रेस रूल के बाद जिन्ना भाई की आइडियोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। जिन्ना का ये हो जाता है कि जिन्ना ये कहते हैं कि अब जो है वो पाकिस्तान रिजोल्यूशन होता है 1940 के अंदर, 23 मार्च 1940। अच्छा, बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना ये है कि ये हुआ था 22 मार्च को। कब हुआ था? 22 मार्च को। लेकिन जो इंडियन प्रेस था उसने उसकी गलत डेट दे दी थी 23 मार्च, जिसकी वजह से वो 23 मार्च मशहूर है और हम लोग वो बनाते रहते हैं पाकिस्तान डे। तो 1940 23 मार्च में ये होता है, ये लाहौर में होता है। बेसिकली इसका नाम होता है लाहौर रिजोल्यूशन। लाहौर रिजोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि मीनारे पाकिस्तान पर हम जमा होते हैं। अब मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाकर नहीं, बेसिकली मीनारे पाकिस्तान जहां पर है वो है मिंटू पार्क। मिंटू पार्क के अंदर ही आपका पाकिस्तान रिजोल्यूशन होता है। वहां पर क्या होता है, मौलवी फजलुल हक भी मौजूद होते हैं, सारे मौजूद होते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके अंदर जिना आते हैं। कौन आते हैं? जिना। और जिना भाई आकर क्या एक्सप्लेन कर देते हैं, टू नेशन थियोरी, कि हम लोग क्या है, वी आर टू डिफरेंट नेशंस, हम लोग साथ नहीं रह सकते। तो आप क्या बताओगे, 1940 में हुआ, 23 मार्च 1940 में लाहौर के अंदर मिंटू पार्क, या फिर आप मीनारे पाकिस्तान लिख सकते हो, वहां पे सब जमा हुए फॉर द फर्स्ट टाइम। जिना भाई क्या कह रहे हैं, टू नेशन थ्योरी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम अलग हैं, हिंदूज अलग हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम। उससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर आप ये बताओ कि इसकी वजह से क्या होता है कि हम सेपरेट मुस्लिम स्टेट जो है वो, ये चीज हमारे पास वो कहते हैं कि हमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए। इसके अंदर जिना ब्रिटिश को वार्न कर देते हैं कि अगर किसी भी रिफॉर्म में पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ, मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। मतलब जिना ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हिंदूज और मुसलमान अलग हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हम सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम उसने मुसलमान को सपोर्ट करते वक्त ये धमकी दे दी ब्रिटिश को कि अगर पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ तो मैं हर रिफॉर्म को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। तो पाकिस्तान रिजोल्यूशन हुआ 1940 में, 23 मार्च में हमारे पास ये लाहौर के अंदर लोग जमा होते हैं। जमा होते हुए जिना अपनी टू नेशन थ्योरी देते हैं और कहते हैं कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए, और ये बात वार्न कर देते हैं कि अगर पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ तो मैं कोई रिफॉर्म एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एंड एवरी रिफॉर्म, हर रिफॉर्म को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। मतलब ये है कि इस दफा जिना भाई क्या हो गए, बिल्कुल उसमें आ गए। उनका मतलब एक ही अलग ही लेवल हो गया था, और उन्होंने ये चीज क्लियरली मेंशन कर दी कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो ये आपके पास कितने मार्क का आएगा बेटा, ये आपके पास आएगा 4 मार्क का। अब आपको ये बात पता है कि अगर 4 मार्क का सवाल आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें 4 मार्क के अंदर 4 बातें लिखनी होती है। 1940 को हुआ, 23 मार्च को हुआ, लाहौर के अंदर कहाँ पर हुआ था, मीनारे पाकिस्तान में हुआ था, जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी एक्सप्लेन कर दी थी जिसके अंदर कहा था कि हमारा सेपरेट मुस्लिम स्टेट होना चाहिए, और उसने वार्न कर दिया था कि अगर किसी रिफॉर्म में पाकिस्तान का जिक्र नहीं होगा मैं उसको रिजेक्ट कर दूँ। तो ये हमारे पास पाकिस्तान रिजोल्यूशन है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ सकता है, जिसको समझ आ गया वो क्या करे, चिल आउट करे। Thank you.